मराठा नाम आ जाता है तो मराठा का नाम है कि लड़ने वाली एक जाति, और मराठे सभी मराठे हैं। आदरणीय सम्मानित मंच और मराठा सेवा संघ, जब मराठा नाम आ जाता है तो मराठा का नाम है कि लड़ने वाली एक जाति, और मराठे सभी मराठे हैं। जो भी आंदोलनकारी देश में हैं, जो लड़ना जानते हैं, वो सभी मराठे हैं। उसकी कोई जाति या उसमें जातियों में नहीं उसको बांट सकते आप। और जहां तक महाराजा शिवाजी का संबंध रहा, वो भी एक योद्धा थे, लड़ने वाले थे, और महाराजा शिवाजी का संबंध इस क्षेत्र से रहा है बहुत, खास करके खाप पंचायत से रहा, और अपने मुजफ्फरनगर और अपने परिवार से उनका बड़ा लगाव था, और वे परिवारों से उनसे मिले। जो गुरिल्ला युद्ध तो जाना, वो खाप पंचायत से उन्होंने सीखा, उन्हें जहां जहां से भी युद्ध की कलाएं सीखी उसका इस्तेमाल पूरे उसमें था। जैसे गोला लाठी का बहुत बार जिक्र चला, तो भी गुरिल्ला युद्ध की एक टेक्निकल पार्ट उसका युद्ध का था, उसका भी इस्तेमाल महाराजा साहब करते थे। सामने वाली सेना को बगैर नुकसान पहुंचाए और उस पूरी सेना को रोकना, वो एक उसी का ही पार्ट था। आपने बिल्कुल बात ठीक कही कि जिस तरह की आज पार्टियां आ रही, जिस विचारधारा की सरकारें आज देश में हैं, हमको गांधी विचारधारा पर चलना या गोडसे वाली पर चलना, दो पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग है। आज की जो सरकारें हैं वो गोडसे विचारधारा पर जा रही हैं, और हम लोग गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आप चुनाव की भी बात आप कर ले, बहुत लोग कहते हैं कि आंदोलन चला उसका प्रभाव कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल बात ठीक है। जब वो मीटिंगें करते थे तो 200 250 500 आदमी, 1000 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होते थे, लोग उनके डंडे मारते थे। हमने 2 महीने पहले इलेक्शन से कहा कि इनको जनता वोट नहीं देगी लेकिन जीतेंगे, यही बिल्कुल चुपचाप थे। वे अपने षड्यंत्र में पूर्ण रूप से कामयाब हैं। अभी भी जहां चुनाव हो रहे, जहां इकल्ला दोकल्ला चुनाव होंगे तो वहां विपक्ष जीत जाएगा, और जहां सत्ता वाले चुनाव होंगे वहां पे वे जीतेंगे। हमने तो बहुत बार कहा कि हमारा चुनाव से संबंध है, हमारा नहीं है। हम समय समय पे अपनी बात बताते रहे, हमारा तो मूवमेंट है। क्योंकि जो आंदोलन चला, अगर 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, तो ये आंदोलन को ये नहीं था कि दिल्ली में आंदोलन चला, ये आंदोलन पूरे देश भर में चला। जो आंदोलन के विचार थे, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, वे चाहे कहीं पे भी रहे हो, उसने अपने क्षेत्र में मूवमेंट किया। वे आंदोलनकारी लोग यहां पे भी आते रहे, हो सकता है कि क्योंकि आंदोलन दिल्ली के करीब 8-10 जगह चारों तरफ को था, आंदोलन कोई व्यवस्थित तरीके से एक जगह नहीं था, इस आंदोलन का कोई एक लीडर नहीं था, बहुत लोग इस आंदोलन में आए, वो किस किस से मिलकर चले गए, वो कहां कहां रहे, ये भी किसी को कोई डाटा किसी के पास में नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो भी देश भर में आंदोलनकारी थे, वे सब इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, वे वैचारिक रूप से जुड़े हुए थे, वे अपने क्षेत्र में जुड़े हुए थे। यहां पे जब भी संयुक्त मोर्चा कॉल देता था तो अब अपने क्षेत्र में लोग उस मूवमेंट का हिस्सा बनते थे। जैसे हमको नहीं पता था कि अकोला में हमारा किसने प्रोग्राम लिया, हमारे तो फोन पे बातचीत हुई, प्रोग्राम आया भी कैंसिल भी हो गया, कई जगह प्रोग्राम रखे गए, लेकिन आज पता चला कि प्रोग्राम रखवाने वाले यही थे।
प्रोग्राम कोई और बीच में था, असली लोग ये थे जो आंदोलनकारी थे, वो बीच में वहां का कैंसिल कर गए जी दूसरी जगह रख, तो हमको तो वो जानकारी रास्तों की उसकी नहीं थी। लेकिन अंत ये हुआ कि प्रोग्राम वो कोरोना के उससे प्रोग्राम कैंसिल हुए, फिर प्रोग्राम लेंगे, नंबर ले लिए हैं तो प्रोग्राम फिर वहां पर रखेंगे। एक बड़े आंदोलन की फिर देश में जरूरत है, उसमें सब लोग आ जाएंगे। ये करीब 550 किसान संगठन, जो मजदूर संगठन है, जो आदिवासी संगठन है, आप अपने तरीके से सब लोग संपर्क में हैं। वो चाहे फसलों के दाम का सवाल हो, वो चाहे भूमि अधिग्रहण का हो, या दूसरे और मसले हैं, वे एजुकेशन का हो, वो हेल्थ सेक्टर के हो, क्योंकि बगैर आंदोलन के देश चलेगा नहीं। देश वोट से नहीं चलता, ये देश आंदोलन से चलता है। तीन काले कानून वापसी हुए तो पार्लियामेंट में तो हमारे लोग था नहीं, इस विचारधारा के लोग हो सकते हैं वहां पे, लेकिन वहां अपने लोग तो कोई थे नहीं। लेकिन एक ही दिन में दोनों उससे जो बहुत सख्त कानून थे, जो ये कहते थे कि वे वापसी नहीं होंगे, सड़क से बैठ के ही वो वापसी हुए। तो ये आप सब लोगों की ताकत थी। बहुत जगह कहते हैं जी ये आंदोलन तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और इसकी कुछ बेल्ट के लोग थे, मकाना गलत फहमी आपको। ये आंदोलन जब जब भी कॉल करते थे तो लोग ट्रैक्टर लेके निकलते थे, हमको भी नहीं पता। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, मध्य प्रदेश जाओ, महाराष्ट्र जाओ, तमिलनाडु, तेलंगाना जब जाते हैं, तो लोग कहते हैं जी जब मूवमेंट होता था तो हम भी ट्रैक्टर लेकर उस ट्रैक्टर से यात्राएं निकालते थे। ट्रैक्टर एक स्टेटस सिंबल किसान का बना। और क्या कोई जिंदा रह सकता है? ये जो दिल्ली है और जो एनसीआर क्षेत्र है, ये जो 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे, ये कोई वैसे नहीं थे, ये वे ट्रैक्टर थे जो भारत सरकार ने 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद कर दिया। हमने कहा कि कोई किसान 10 साल में ट्रैक्टर बदल सकता है? कैसे बदल सकता है, कैसे संभव है? लेकिन उनकी कोई समझ में नहीं आती। वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके हाथों पूरे देश को बेच देना चाहते हैं। उसने कहा कि नहीं चलेगा। और आज भी हालात ये हैं कि आप 10 साल का अगर आपके घर पर ट्रैक्टर हो गया, आप उसको बेच दो तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं दूसरी जगह होगा, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। आप उसको बेचोगे तो वो सिर्फ तोल के उससे जाएगा, जो स्क्रैप का रेट है उससे जाएगा, कबाड़े का रेट। ये तो आंदोलन है कि ये तोड़ नहीं रहे उसको। गाड़ियां आपकी बंद कर दी, क्योंकि गाड़ियां चलाने वाले कौन है? गाड़ी चलाने वाले भी हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। 10 साल में आपकी गाड़ी खत्म होगी, पेट्रोल की 15 साल में खत्म होगी, क्योंकि वे इकट्ठे नहीं हो सकते। उनको ये माना जाए कि ये बड़े लोग हैं गाड़ी वाले, कोई बड़ा आदमी नहीं, सब गांव देहात से आने वाले लोग हैं। और ये पूरे देश में हालात होंगे, ये एनसीआर का नहीं है। बाहर जगह जाएंगे तो आप डीजल का 15 साल उसकी वो लगा लो। हमारे पास में 68 मॉडल ट्रैक्टर है, वो आज भी चलता है। तो ये जो सारे सवाल है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आना चाहती है, देश पे कब्जा करना चाहती है, अभी और बहुत पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल 20-20, अगर 2 पशु किसी के पास में होंगे तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब कौन ये बनवाने वाले लोग हैं, कौन उसको गाइड्स करता है कि 2 पशु का मतलब यह है कि अगर 1 पशु है और एक उसका बच्चा हो गया तो 2 हो गए, या तो कॉमर्शियल कनेक्शन ले लो या उसके बच्चे को मारो। तो जब 1 होगा तो एक की बड़ी सोची समझी चाल है कि पशुधन देश से खत्म हो, देश में से एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म हो, इन जमीनों पे बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो। जैसे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, जब पशुधन खत्म हो जाएंगे तो ऑर्गेनिक सेक्टर कहां से आएगा? यह है कि केमिकल की खेती हो, लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल में जाएं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड लेकर आ रहे हैं। क्या इस देश को पता है कि जीएम सीड क्या है?
इस देश की जनता को नहीं पता, पूरी दुनिया में बैन है, लेकिन वो जहरीले वेजिटेबल्स और अनाज को जाना चाहते हैं। अभी तो बीटी कॉटन, क्योंकि महाराष्ट्र के और पंजाब के कुछ बेल्ट में वो लगती है आंध्रा में, लेकिन और जगह भी वो 26 जो सब्जियां हैं, जो तरकारी हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उसमें बीटी लेकर आना चाहते हैं, पूर्ण रूप से जहरीली है किस्म से। तो ये बहुत से सवाल भारत सरकार से हमारे हैं, हमारे किसी एक पार्टी से नहीं है, हमारा किसी पार्टी का विरोध नहीं होता। हमारा होता है कि अगर कोई सरकार कोई पॉलिसी गलत लेकर आएगी तो हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। अभी राजस्थान में एक किसान था, उसकी 7 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्जा था, उसकी 10 एकड़ जमीन जो सर्किल रेट, जो डीसी रेट, जो डीएम रेट, उसका जो सरकारी रेट था वो करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा था, 2.5 करोड़ रुपए के आसपास, 40 लाख रुपए में उसकी पूरी जमीन बेच दी। हम गए वहां पे सरकार दूसरी पार्टी की किसी की, हम गए, लेकिन जैसे ही हम यहां से दिल्ली से यहां से गए तो रास्ते में जब तक हम उसके घर तक पहुंचे उन्होंने वो कैंसिल कर दी, तो उसकी जमीन वापसी आ गई। लेकिन हमने कहा कि उस परिवार से मिलेंगे, हम रात में गए, अगले दिन वहां पे मीटिंग करी तो उन्होंने पूरी पॉलिसी चेंज की। हमने कहा कि किसी पे कर्जा है वो 1300 मीटर में आप डिमार्केशन कर देते, 1300 मीटर में उसका कर्जा पूरा हो सकता था, लेकिन उसकी 10 एकड़ जमीन उसी में उसका मकान बना हुआ है, तो ये पॉलिसियां हैं, ये बात करने को तैयार नहीं है। अभी भी भारत सरकार से 22 जनवरी 2021 को बात हुई थी, 1.5 साल हो गया, उसके बाद में कोई बातचीत नहीं हुई। ये समझौता भी हुआ तो डिजिटल समझौता था एक किस्म से, ये फेस टू फेस किसी से कोई बात नहीं हुई। अभी हमने कहा कि एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, तो उन्होंने कहा कि कानून बना देंगे, उसकी कमेटी बनाने की बात चल रही, कहा कि 2 लोगों के नाम दे दो, हमने कहा कि बिल्कुल दे देंगे, आप उसके रेफरेंसेस हमको दे दो, कमेटी के कार्यकाल क्या रहेगा, उसकी पावर क्या रहेगी, उसका अध्यक्ष क्या कौन रहेगा, उसके कितने मेंबर होंगे वो बताने को तैयार नहीं, क्योंकि हमसे 2 ले लेंगे, 11 आदमी की एक कमेटी बनाएंगे, उसकी 4 मीटिंग दिखाएंगे और वो कहेंगे जी 9 मेंबर तो कानून के पक्ष में नहीं है जी, 2 मेंबर हैं, और इसको पब्लिक जिधर जाते हैं बहुमत के आधार पे कैंसिल करे जाते हैं। मगर जब हमको पता है कि क्या आप करोगे तो फिर कहीं के नाम ले रहे, तो ये जालसाज हैं, ये धोखेबाज हैं, जो लोग सरकार में रहे कि विकास का काम नहीं कर सकते, विकास पे पॉलिसी नहीं बना सकते, वे विनाश की पॉलिसी की तरफ चलते हैं कि विकास तो हो नहीं सकता तो विनाश की तरफ चल जाओ, तो जनता उसमें उलझ रहे। तो 2 ही सिद्धांत है, या तो आप विकास कर लो या आप विनाश की तरफ जाओ, तो ये सरकार तो विनाश की तरफ जा रही कि जनता उलझ रहे। ये लड़ाते हैं उत्तर प्रदेश में, ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, हरियाणा में चले जाएंगे तो ये जाट और नॉन जाट करवा देते हैं, जैसे ही गुजरात में जाएंगे तो पटेल नॉन पटेल करवा देते हैं, ये महाराष्ट्र में गए तो मराठा नॉन मराठा करवा देते हैं, ये तो तोड़फोड़ करते हैं, ये इनको शिक्षा दी जाती है, तो इनसे कैसे बचेंगे? ये संगठन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काम कर रहा है, और इसमें किसी जातियों का समावेश नहीं है, इसमें सब जातियों के इसमें लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं, आप इसको बढ़ाओ, ये मिशन ठीक है, आगे चलेगा। और जितनी भी मेरी बहनें यहाँ पे आई हैं बहुत बड़ी संख्या में, आपने हर स्टेट से लोगों को बुलवाया, अपनी विचारधारा दी, और जो संघ विचारधारा दे रहा है उसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये युवा सब लोग यहाँ पे हैं। हम बहुत बार कहते थे कि नागपुर यूनिवर्सिटी में जो लोग एडमिशन ले लेंगे वो वहां से पास का ही सर्टिफिकेट उनको मिलता है, वो फेल ही नहीं होते वहां पे, यही इलेक्शन में सब चीजें, वो तो उसी विचारधारा के लोग वहां पे हैं, जहां से 30,000 से कैंडिडेट जीते हुए कैंडिडेट को डीएम डीसी ये कह देता हूँ जी आप बाहर चले जाओ अब, और ठीक 20 मिनट बाद में उसको
हरा देते हैं वहां पर 250 वोटों से, क्या एक भी आदमी ने इलेक्शन कमीशन पे ये नहीं कहा कि मेरी गिनती दोबारा करवा दो? ऐसा तो पहली बार देखा कि जो आदमी बोलने की हिम्मत ही ना रखता हो। अगर किसी ने बोलने की हिम्मत रखी तो रात रात नहीं झेल पाया, अगले दिन सुबह ही उसने बीजेपी का पटका उसके गले में पाया। वो कागज फार्म तो लेकर गया किसी और पार्टी से और सुबह ही ज्वाइनिंग कर पाया वो दूसरी जगह। तो ये कोई राजनीति अब नहीं देश में, ये तो सरकारी गुंडा करती है। लेकिन इसका मुकाबला तो भाई पॉलिटिकल पार्टी को करना है इनको, हमारा तो मूवमेंट का काम है और जो संस्था है ये भी मूवमेंट की है, कोई पॉलिटिकल तो है नहीं। ये काम तो उनको देखना है जिनको पॉलिटिकल देखना है, क्योंकि उनको भी एक आधा काम कर लेने दो, वे भी कर कुछ नहीं रहे। तो आपका धन्यवाद, ये संस्थाएं आपकी बढ़े और जहां जहां पे भी आप बुलाओगे हमको भी इसमें बुला लो। थोड़ा सा जातियों का किसी जाति के खिलाफ ना किसी के भी हो, विचारधारा सबकी हो सकती है, जातियां कोई खराब नहीं होती है। तो थोड़ा सा उस पर अपना रखो, इस पर पॉलिटिकल और जातियां दो चीजों का बैन ना रखो, ये बढ़ेगी संस्थाएं। और महाराजा शिवाजी का नाम और मराठा जहां जुड़ जाता है तो क्रांतिकारी शब्द वैसे ही है, इसको बढ़ाएंगे आगे और इसमें ठीक समावेश सब जातियों का, सब उसका समाज का समावेश इसमें है। और ये एजुकेशन की तरफ आप जो जो बताए वो काम कर रहे हैं, पुस्तक हम इनको पढ़ेंगे देखेंगे। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा बता के पूरा भारत घूमा, तो इनसे भी विचारों से जब बैठ के आपसे विचार बनाएंगे और इस सिस्टम को आगे लेकर चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मराठा।